आज सभी हमारे भाई साहब दामोदर जी के नेतृत्व में हमने आज नामांकन दाखिल किया है, कार्यकर्ताएं सभी, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में रहेंगे और आज से ही कार्यक्रम शुरू। हमारे जो आम जन तक हमारी जो सरकार की योजना है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्थानीय कार्यकर्ता सब बताएंगे, किस प्रकार मोदी जी की जो हमारी केंद्र की योजना है, राजस्थान की योजना है, आमजन के लिए हम वहाँ किस प्रकार अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचे, इसके लिए आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं भाई सबको अवगत कराना है। देखिए, कांग्रेस ने यहाँ स्थानीय जो उम्मीदवार है केसी मीणा जी, उनको टिकट दिया है, कितना मजबूत मानते हैं? देखो, हमारा काम तो हम भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो धन्यवाद देता हूँ कार्यकर्ताओं का कि इन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर और विधानसभा के टिकट के लिए मेरे को प्रत्याशी बनाया। विपक्ष, हर आदमी चुनाव लड़ता है, अपनी अपनी उनकी तैयारी रहती है, वो उनकी तैयारियां हैं, वो जैसे भी वो वही तय करेंगे उनको क्या करना है। हम तो ये कह सकते हैं कि हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराकर और हमारी यहाँ की सीट भाई भजन लाल जी की झोली में डालेंगे। राजस्थान की सरकार काम कर रही है और केंद्र की सरकार की जो योजना है उनको जन जन तक पहुंचाएंगे, ये हमारा सबका संकल्प है। सचिन पायलट को लेकर क्या देखते हैं? सचिन पायलट भी चुनावी प्रचार करेंगे, कितना वोट बैंक प्रभावित हो सकता है? अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करने का सबको अधिकार है, करें। बाकी मैं इन आम जनता, आम नागरिक का, कार्यकर्ताओं के बिहार पर ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी, कमल खिलेगा और आप लोगों भी इसमें भागीदार होंगे, इतना ही कहूँगा मैं। विकास को लेकर कोई उनियारा देवली में कोई विजन रहेगा? विकास के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कन्हैया लाल जी और हमारे नागर साहब हीरा लाल जी, जो हमारी जो डूब क्षेत्र की सबसे बहुत बड़ी मांग थी, विस्थापित जो कॉलोनियां थी जिसमें 17 करोड़ रुपए देकर उनको सबको कनेक्टिविटी से कर दिया, वो बहुत परेशान थे। हमारे नासिरदा में 33 KV GSS और 32 KV GSS का भी उन्होंने घोषणा कर दी, और हमारे कई रोड ऐसे थे जो फ्लड अधिक आने के कारण अवरुद्ध हो जाते थे मार्ग, उनके लिए भी करोड़ रुपए की सैंक्शन, जिसमें 1.25 करोड़ की पुलिया आपने मच्छकंदर नाथ जी की जो नैनवा को जोड़ती है, बालापुरा से जो हमारे रायपुर या रायपुरा से नैनवा जोड़ती है 1.25 करोड़ की पुलिया वो, और अनेकों पुल नाले जो प्रभावित होते थे बरसात में, हमारे ग्रामीण टापू की तरह हो जाते थे, आज उन सब जगह, और पानी के लिए भी 70 करोड़ की योजना हमारे देवली के अंदर पूरी पेयजल की योजना कन्हैया लाल जी ने, यहाँ पर उनियारा में भी और अलीगढ़ में भी 8-8, 10-10 करोड़ की सब योजनाएं, बस अब काम क्रियान्वित होने है, जो अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी इसको क्रियान्वित करेंगे। एक नासूर सी समस्या है, नासिरदा हमेशा मांग करता रहा कि मैं केकड़ी जिले में शामिल किया जाए, जब जिले मिलेंगे तब क्या कुछ होगा, कुछ बदलाव? अब वो उनकी मांग है, हर आदमी, हम तो राजनीति में यही कहते हैं जो जनता कहे वही करते हैं, हम तो यही गाँव में भी यही कहते हैं, जो सब लोग कहेंगे वही करेंगे, अगर उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, इसमें हम तो उनकी सहमति में सहमति है, हमारी कोई व्यक्तिगत सहमति नहीं, जहाँ जनभावना है, जनता चाहती है, वही हम करते हैं, क्योंकि हम जनसेवक हैं और जनता की भावना पे अनुसार ही हम काम करते हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत सोच नहीं। क्या आपसी जो यहाँ की जो गुटबाजी है कार्यकर्ताओं की, क्या उनको लेकर सलाह मशवरा कुछ? नहीं, सब गुटबाजी है ही नहीं, तो क्या सुलभ मशवरा करें, हम तो सब हमारे साथ हैं, ये सब जानते हुए राजेंद्र कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता को सब आशीर्वाद देने यहाँ पधार रहे हैं, तो मेरा जैसा साधारण कार्यकर्ता उनको मिला है, तो क्योंकि उनके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है कि मुझे भी सेवा करने का मौका मिलेगा और आमजन को भी आनंद है और कार्यकर्ता भी प्रसन्न है और जनता भी प्रसन्न है, सब मिलकर आम जनता चुनाव लड़ रही है, मैं क्या लड़ रहा हूँ या, तो आप देख रहे हो कि सबकी भावना है और शीर्ष नेतृत्व ने भी आमजन के उनके पूछकर उनको उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रत्याशी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।